हेलो स्टूडेंट्स, स्टडीग्राम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए 1000 प्रश्न लेकर आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान में कितने मेटल पाया जाता है? उत्तर, 68%। प्रश्न, पृथ्वी नारंगी के समान है, यह किसने बताया था? उत्तर, न्यूटन ने। प्रश्न, पृथ्वी के उत्तर गोलार्ध पर जल की मात्रा कितने है? उत्तर, 61%। प्रश्न, पृथ्वी के दक्षिणी भाग पर कितने जल है? उत्तर, 81%। प्रश्न, संसार में पृथ्वी पर कुल कितने स्थल मंडल है? उत्तर, 29%। प्रश्न, संसार में पृथ्वी पर कुल कितने जल है? उत्तर, 71%। प्रश्न, खनिज तेल पृथ्वी की किन चट्टानों में पाया जाता है? उत्तर, अवसादी चट्टानों में। प्रश्न, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? उत्तर, निकेल। प्रश्न, किस परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है? उत्तर, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को। प्रश्न, स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों द्वारा कितनी मापी गई है? उत्तर, 100 किलोमीटर। प्रश्न, धरातल से मोहो असंभवता की गहराई कितनी है? उत्तर, 30 किलोमीटर। प्रश्न, पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी पतर का नाम क्या है? उत्तर, सीमा। प्रश्न, स्थलमंडल किस किस को मिलाकर बना होता है? उत्तर, ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल, मेटल का ठोस ऊपरी भाग। प्रश्न, भूपट्टी पर कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? उत्तर, एल्यूमिनियम। प्रश्न, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को स्वेज ने कितने भागों में बांटा? उत्तर, 3 भागों में। प्रश्न, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? उत्तर, सीमा परत में। प्रश्न, महासागरीय सतह का निर्माण किन चट्टानों द्वारा होता है? उत्तर, बेसाल्ट चट्टानों द्वारा। प्रश्न, सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने भारत यात्री की? उत्तर, फाहियान ने। प्रश्न, शून्य की खोज किसने की? उत्तर, आर्यभट्ट ने। प्रश्न, किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? उत्तर, पंचतंत्र। प्रश्न, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? उत्तर, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। प्रश्न, हितोपदेश की रचना किसने की? उत्तर, नारायण पंडित। प्रश्न, नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? उत्तर, भरत मुनि। प्रश्न, विक्रम संवत का शुभारंभ कब हुआ? उत्तर, 57। प्रश्न, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? उत्तर, कंबोडिया में। प्रश्न, पुरापाषाण युग में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? उत्तर, शिकार करना। प्रश्न, किस युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है? उत्तर, ताम्रपाषाण युग को। प्रश्न, स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन है? उत्तर, भाष। प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? उत्तर, बौद्ध धर्म दर्शन। प्रश्न, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? उत्तर, क्रोमैग्नन मनुष्य। प्रश्न, देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? उत्तर, ब्राह्य लिपि। प्रश्न, कादंबरी के लेखक कौन है? उत्तर, बाणभट्ट। प्रश्न, सुभाषितवली के लेखक कौन है? उत्तर, मयूर। प्रश्न, तक्षशिला नगर किन नदियों के मध्य स्थित था? उत्तर, सिंधु व झेल। प्रश्न, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध था? उत्तर, गुफाओं के शैलचित्र। प्रश्न, प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? उत्तर, खरोष्ठी लिपि। प्रश्न, प्राचीन काल में मानव द्वारा किस अनाज का प्रयोग हुआ? उत्तर, चावल। प्रश्न, भारतीय इतिहास का कौन सा स्रोत प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? उत्तर, मिलिंद पान्हो। प्रश्न, सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा? उत्तर, यूनान वासियों ने। प्रश्न, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किसके शासनकाल का वर्णन किया है?
उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न, चीनी यात्री ह्वेनसांग सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य पहुंचा? उत्तर, कपिशा। प्रश्न, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेखा में मिला है? उत्तर, हाथी गुम्फा अभिलेख में। प्रश्न, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तर, एपिग्राफी। प्रश्न, सिंधु सभ्यता के लोग किस क्षेत्र के निवासी थे? उत्तर, भूमध्य सागरीय। प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे अधिक किस स्थान पर दिए? उत्तर, श्रावस्ती में। प्रश्न, सिकंदर किसका शिष्य था? उत्तर, अरस्तु का। प्रश्न, सिकंदर का सेनापति कौन था? उत्तर, सेल्यूकस निकेटर। प्रश्न, भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसने कराया? उत्तर, अशोक ने। प्रश्न, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? उत्तर, अशोक वर्धन। प्रश्न, भरहूत स्तूप का निर्माण किसने कराया? उत्तर, पुष्यमित्र शुंग ने। प्रश्न, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ? उत्तर, चीन में। प्रश्न, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर, श्री गुप्त। प्रश्न, मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ? उत्तर, गुप्त काल में। प्रश्न, प्रिय दर्शिका नामक संस्कृत ग्रंथ की रचना किस शासक ने की? उत्तर, हर्षवर्धन ने। प्रश्न, नागनंदा नामक संस्कृत नृतक की रचना किस शासक ने की? उत्तर, हर्षवर्धन ने। प्रश्न, अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? उत्तर, बौद्ध धर्म से। प्रश्न, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया? उत्तर, स्कंदगुप्त ने। प्रश्न, पुनश्चलन का सिद्धांत किससे प्रतिपादित किया? उत्तर, रीड ने। प्रश्न, पुनश्चलन का सिद्धांत किससे संबंधित है? उत्तर, भूकंप से। प्रश्न, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत क्या है? उत्तर, भूकंप विज्ञान। प्रश्न, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहा जाता है? उत्तर, भूकंप केंद्र। प्रश्न, कौन सी भूकंपीय तरंगें सबसे अधिक क्षति पहुंचाती हैं? उत्तर, दीर्घ पृष्ठीय। प्रश्न, अंतसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? उत्तर, सुनामी। प्रश्न, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, भूकंप। प्रश्न, विश्व के सबसे अधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं? उत्तर, परिप्रशांत महासागरीय पेटी में। प्रश्न, सुनामी किस भाषा का शब्द है? उत्तर, जापानी। प्रश्न, भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है? उत्तर, रिएक्टर स्केल पर। प्रश्न, भूकंप का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? उत्तर, सिस्मोलॉजी। प्रश्न, सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? उत्तर, भूकंपीय तरंगों का। प्रश्न, समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? उत्तर, सह भूकंप रेखा। प्रश्न, प्रशांत महासागर के 68% भूकंप क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उत्तर, अग्निवलय। प्रश्न, भूकंप की कौन सी घटना धरातल पर घटित नहीं होती है बल्कि जल में होती है? उत्तर, सुनामी। प्रश्न, धरातल पर जहां सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है उस स्थान को क्या कहते हैं? उत्तर, भूकंप अधिकेंद्र। प्रश्न, भूकंप मापी यंत्र के अनुसार एक वर्ष में सामान्यतः कितने भूकंप आते हैं? उत्तर, 8000 से 10000 तक। प्रश्न, जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? उत्तर, भूकंप मूल। प्रश्न, भूकंप में तेज गति से आने वाली तरंगों का औसत वेग कितना होता है? उत्तर, 8 मीटर से। प्रश्न, भूकंप की दृष्टि से सबसे खतरनाक सागर कौन सा है? उत्तर, प्रशांत महासागर। प्रश्न, रिएक्टर पैमाने के अतिरिक्त अन्य किस पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? उत्तर, मर्केली पैमाना। प्रश्न, धरातलीय भूकंप में तरंगें किसके आकार की होती है?
उत्तर एल के आकार की। प्रश्न, भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? उत्तर रामानुजाचार्य। प्रश्न, पंजाब में भक्ति आंदोलन के जनक कौन थे? उत्तर गुरु नानक। प्रश्न, कबीर के गुरु कौन थे? उत्तर रामानंद। प्रश्न, कबीर का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर लहरतारा काशी। प्रश्न, कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? उत्तर मगहर संत कबीर नगर छोटा उ। प्रश्न, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला? उत्तर संत ज्ञानेश्वर। प्रश्न, भक्ति आंदोलन को दक्षिणी भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने वाले कौन थे? उत्तर रामानंद। प्रश्न, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? उत्तर गौड़िया संप्रदाय। प्रश्न, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? उत्तर वल्लभाचार्य। प्रश्न, किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव के लिए कीर्तन को अपना माध्यम बनाया? उत्तर चैतन्य महाप्रभु। प्रश्न, अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? उत्तर शंकराचार्य ने। प्रश्न, भक्ति आंदोलन के दौरान असम में भक्ति आंदोलन को किसने चलाया? उत्तर शंकर देव। प्रश्न, गुरु नानक का धर्मोपदेश क्या था? उत्तर मानव बंधुत्व। प्रश्न, किस भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए चंडीदास ने योगदान दिया? उत्तर बंगाली। प्रश्न, रामानुज के अनुयायी को क्या कहा जाता था? उत्तर वैष्णव। प्रश्न, बीजक के रचयिता कौन है? उत्तर कबीर दास। प्रश्न, महात्मा बुद्ध व मीराबाई के जीवन दर्शन में कौन सी मुख्य विशेषता समान थी? उत्तर संसार का दुखपूर्ण होना। प्रश्न, प्रसिद्ध भक्ति रस कवियत्री मीराबाई किसकी पत्नी थी? उत्तर राजकुमार भोजराज। प्रश्न, यदि संस्कृत मातृभाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा दस्यु भाषा है? यह किसका कथन है? उत्तर एकनाथ का। प्रश्न, भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? उत्तर जहांगीर। प्रश्न, किस संत ने अपने भक्ति संदेशों के प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग किया? उत्तर रामानंद। प्रश्न, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? उत्तर रामदास। प्रश्न, दास बोध के रचयिता कौन है? उत्तर रामदास। प्रश्न, गुरु नानक का जन्म कब हुआ? उत्तर 1469। प्रश्न, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर तलवंडी। प्रश्न, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? उत्तर गुरु नानक। प्रश्न, अमृतसर शहर का निर्माण किसने कराया था? उत्तर गुरु रामदास। प्रश्न, किस धर्म गुरु को इस्लाम न अपनाने के कारण अपना शीश कटवाना पड़ा था? उत्तर गुरु तेग बहादुर। प्रश्न, महात्मा गांधी के प्रिय भजन जो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है? उत्तर नरसिंह मेहता। प्रश्न, नरसिंह मेहता कहाँ के प्रमुख संत थे? उत्तर गुजरात। प्रश्न, असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? उत्तर शंकर देव को। प्रश्न, मुगल शासक मोहम्मद शाह किस संप्रदाय की अनुयायी था? उत्तर शिव नारायण का। प्रश्न, गुरु नानक का जन्म स्थल तलवंडी नामक स्थान अब किस नाम से विख्यात है? उत्तर ननकाना साहिब। प्रश्न, रामचरितमानस नामक ग्रंथ की रचना किसने की? उत्तर तुलसीदास ने। प्रश्न, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर बांदा जिले के राजापुर गांव में। प्रश्न, रायदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की? उत्तर रैदास ने। प्रश्न, देरास किसके शिष्य थे? उत्तर रामानंद के। प्रश्न, निपक नामक आंदोलन किस धर्म गुरु ने चलाया? उत्तर दादू दयाल ने। प्रश्न, सिखों के दसवें गुरु कौन थे? उत्तर गुरु गोविंद सिंह। प्रश्न, धर्म दीक्षा विधि पाहुल की स्थापना किसने की? उत्तर गुरु गोविंद सिंह ने। प्रश्न, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? उत्तर बैसाखी।
प्रश्न, किस सिख गुरु ने पंजाबी भाषा के लिए गुरमुखी लिपि की शुरुआत की? उत्तर, गुरु रामदास ने। प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? उत्तर, सातवां। प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? उत्तर, दूसरा। प्रश्न, भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? उत्तर, चीन, नेपाल, भूटान। प्रश्न, भारत के पूर्व में कौन सा देश है? उत्तर, बांग्लादेश। प्रश्न, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? उत्तर, पाकिस्तान। प्रश्न, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? उत्तर, अरब सागर। प्रश्न, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? उत्तर, बंगाल की खाड़ी। प्रश्न, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? उत्तर, हिंद महासागर। प्रश्न, पूर्वांचल की पहाड़ियां भारत को किस देश से अलग करती हैं? उत्तर, म्यांमार से। प्रश्न, मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं? उत्तर, श्रीलंका से। प्रश्न, संपूर्ण भारत की अंशांशीय विस्तार कितना है? उत्तर, 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। प्रश्न, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? उत्तर, कर्क रेखा। प्रश्न, भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? उत्तर, 3214 किलोमीटर। प्रश्न, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? उत्तर, 2933 किलोमीटर। प्रश्न, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? उत्तर, बंगाल की खाड़ी में। प्रश्न, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? उत्तर, अरब सागर में। प्रश्न, भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? उत्तर, इंदिरा पॉइंट। प्रश्न, इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? उत्तर, पिगमिलियन पॉइंट। प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? उत्तर, 42%। प्रश्न, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने भारत में निवास करता है? उत्तर, 17%। प्रश्न, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? उत्तर, 32,87,263 वर्ग किमी। प्रश्न, भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं? उत्तर, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, भूटान। प्रश्न, भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? उत्तर, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान। प्रश्न, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? उत्तर, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। प्रश्न, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है? उत्तर, 8 डिग्री 4। प्रश्न, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? उत्तर, इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से। प्रश्न, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? उत्तर, 5/1/2। प्रश्न, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? उत्तर, 876 किलोमीटर। प्रश्न, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? उत्तर, 15,200 किलोमीटर। प्रश्न, भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? उत्तर, 6,100 किलोमीटर। प्रश्न, भारत की कुल तटरेखा की लंबाई द्वीप समूहों सहित कितनी है? उत्तर, 7,516 किलोमीटर। प्रश्न, संपूर्ण भारत के कितने भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? उत्तर, 28.8%। प्रश्न, संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? उत्तर, 44%। प्रश्न, भारत में समुद्र तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? उत्तर, 9। प्रश्न, किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? उत्तर, गुजरात। प्रश्न, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? उत्तर, 8।
प्रश्न, भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? उत्तर, इंदिरा पॉइंट। प्रश्न, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? उत्तर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। प्रश्न, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? उत्तर, गोवा। प्रश्न, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा है? उत्तर, बांग्लादेश के साथ। प्रश्न, भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? उत्तर, प्रायद्वीपीय पठार। प्रश्न, भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर, कोरोमंडल तट। प्रश्न, कोंकण तट कहाँ से यहाँ तक स्थित है? उत्तर, गोवा से दमन तक। प्रश्न, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? उत्तर, प्रवाल द्वारा। प्रश्न, न्यू मूल द्वीप कहाँ स्थित है? उत्तर, अंडमान सागर में। प्रश्न, कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? उत्तर, रामेश्वरम। प्रश्न, लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? उत्तर, 36। प्रश्न, लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है? उत्तर, 10। प्रश्न, भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? उत्तर, सियाचिन। प्रश्न, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? उत्तर, ऑक्साई चीन। प्रश्न, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? उत्तर, लद्दाख। प्रश्न, भारत की देशांतर स्थिति क्या है? उत्तर, 68°7 से 97°25 तक। प्रश्न, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? उत्तर, 7। प्रश्न, किस देश के साथ न्यू मूल द्वीप के कारण भारत का विवाद है? उत्तर, बांग्लादेश के साथ। प्रश्न, भारत किस गोला में स्थित है? उत्तर, उत्तरी। प्रश्न, केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है? उत्तर, गुजरात व महाराष्ट्र। प्रश्न, किस राज्य को पहले NEFA के नाम से जाना जाता था? उत्तर, अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? उत्तर, दक्षिण अंडमान। प्रश्न, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? उत्तर, सिक्किम व पश्चिमी बंगाल। प्रश्न, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? उत्तर, 23° उत्तर। प्रश्न, उत्तर भारत में उपहिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान क्या कहलाते हैं? उत्तर, भावर। प्रश्न, कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? उत्तर, कचकारण। प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर बांग्लादेश से घिरा है? उत्तर, त्रिपुरा। प्रश्न, भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? उत्तर, जैसलमेर। प्रश्न, अरावली और विंध्य श्रृंखलों के बीच कौन सा पठार है? उत्तर, मालवा का पठार। प्रश्न, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है? उत्तर, सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। प्रश्न, मैकान का पठार भारत के किस राज्य में है? उत्तर, छत्तीसगढ़ में। प्रश्न, छोटा नागपुर किसका नाम है? उत्तर, रांची का पठार। प्रश्न, इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? उत्तर, 876 किलोमीटर। प्रश्न, भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? उत्तर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम। प्रश्न, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तर, अन्नाईमुडी। प्रश्न, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? उत्तर, ग्रीक। प्रश्न, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंत था? उत्तर, जम्बू द्वीप का। प्रश्न, भारतीय मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? उत्तर, 82°36' पूर्व देशांतर पर।
प्रश्न, आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? उत्तर, बेरन एवं नारकोंडम। प्रश्न, हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? उत्तर, सिकंदराबाद। प्रश्न, थार भूमि कहाँ स्थित है? उत्तर, राजस्थान। प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर, उत्तर प्रदेश। प्रश्न, स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? उत्तर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। प्रश्न, झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर, उत्तर प्रदेश। प्रश्न, भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? उत्तर, जम्मू कश्मीर में। प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? उत्तर, सर सिरिल जॉन रैडक्लिफ ने। प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? उत्तर, सिक्किम। प्रश्न, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? उत्तर, जम्मू कश्मीर। प्रश्न, डंकन पास किसके मध्य स्थित है? उत्तर, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान। प्रश्न, भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? उत्तर, इंदिरा कॉल। प्रश्न, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? उत्तर, आदम का पुल। प्रश्न, दक्षिण गंगोत्री क्या है? उत्तर, अटांटार्कटिका स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के तीन बड़े राज्यों का क्रम क्या है? उत्तर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। प्रश्न, आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी थी? उत्तर, कुर्नूल। प्रश्न, सतपुड़ा की पहाड़ियां किस राज्य में है? उत्तर, मध्य प्रदेश। प्रश्न, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तर, सैडल पीक। प्रश्न, मंगलो से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? उत्तर, मालाबार तट। प्रश्न, दक्कन का पठार किन राज्य में स्थित है? उत्तर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। प्रश्न, धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? उत्तर, कर्नाटक में। प्रश्न, नीलगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? उत्तर, तमिलनाडु में। प्रश्न, नाइमुडी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? उत्तर, 2695 मीटर। प्रश्न, अरावली की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? उत्तर, राजस्थान में। प्रश्न, अरावली के पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है? उत्तर, बनास नदी। प्रश्न, कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? उत्तर, संकोशी नदी। प्रश्न, भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था? उत्तर, टिथिस नामक समुद्र। प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई? उत्तर, 15 अगस्त 1947 को। प्रश्न, महेंद्रगिरी की पहाड़ियां किन दो राज्यों के तट पर है? उत्तर, ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश। प्रश्न, पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? उत्तर, मन्नार की खाड़ी में। प्रश्न, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है? उत्तर, पोर्ट ब्लेयर। प्रश्न, कोलाबा पॉइंट कहाँ है? उत्तर, मुंबई में। प्रश्न, दूरंगढ़ रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य है कब निर्धारित की गई थी? उत्तर, 1896 में। प्रश्न, भारत की पवित्र नदी कौन सी है? उत्तर, गंगा। प्रश्न, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? उत्तर, पद्मा। प्रश्न, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? उत्तर, मेघना। प्रश्न, भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? उत्तर, गंगा व ब्रह्मपुत्र। प्रश्न, सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? उत्तर, अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न, तवा किसकी सहायक नदी है? उत्तर, नर्मदा।
प्रश्न, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? उत्तर, कोसी। प्रश्न, कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? उत्तर, दामोदर नदी। प्रश्न, कौन सी नदी ब्रंच दोनी से होकर बहती है? उत्तर, नर्मदा। प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है? उत्तर, गंगा। प्रश्न, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? उत्तर, गोदावरी। प्रश्न, भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? उत्तर, गंगा। प्रश्न, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? उत्तर, बंगाल की खाड़ी में। प्रश्न, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? उत्तर, सिंधु। प्रश्न, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? उत्तर, नर्मदा। प्रश्न, कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? उत्तर, सिंधु 2880 किलोमीटर व ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर। प्रश्न, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? उत्तर, कर्नाटक और तमिलनाडु। प्रश्न, किस नदी को वृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? उत्तर, गोदावरी। प्रश्न, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर, कोसी। प्रश्न, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? उत्तर, नर्मदा। प्रश्न, कौन सी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है? उत्तर, ब्राह्मणी। प्रश्न, वैन गंगा और पैन गंगा किसकी सहायक नदी है? उत्तर, गोदावरी। प्रश्न, इंदो प्रमाहे एक। उत्तर, पौराणिक नदी। प्रश्न, किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? उत्तर, गंगा। प्रश्न, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मजुली बनाती है? उत्तर, ब्रह्मपुत्र। प्रश्न, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? उत्तर, मध्य प्रदेश। प्रश्न, नदियों को जोड़ने की योजना किसके शासन काल में प्रस्तावित हुई? उत्तर, राजक सरकार। प्रश्न, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? उत्तर, ताप्ती। प्रश्न, कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ? उत्तर, सिंधु। प्रश्न, सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने जल का प्रयोग कर सकता है? उत्तर, 20%। प्रश्न, प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? उत्तर, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी एवं वैगाई। प्रश्न, कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? उत्तर, सिंधु नदी। प्रश्न, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? उत्तर, कृष्णा नदी। प्रश्न, दामोदर नदी कहां से निकलती है? उत्तर, छोटा नागपुर के पठार से। प्रश्न, दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? उत्तर, नर्मदा नदी। प्रश्न, शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? उत्तर, चंबल नदी। प्रश्न, भारत की कौन सी नदी का मुहाना एवं उद्गम स्थल दोनों भारत में ही है? उत्तर, दक्षिण की ओर। प्रश्न, किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? उत्तर, नर्मदा नदी। प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियां द्वारा निर्मित होता है? उत्तर, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। प्रश्न, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती है? उत्तर, देवप्रयाग में। प्रश्न, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? उत्तर, चंबल एवं साबरमती। प्रश्न, लूनी नदी कहाँ गिरती है? उत्तर, कचकारण। प्रश्न, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियां निकलती हैं? उत्तर, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। प्रश्न, कौन सी मुख्य प्रायद्वीपीय नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं? उत्तर, नर्मदा एवं ताप्ती।
प्रश्न, कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? उत्तर, ब्रह्मपुत्र। प्रश्न, किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? उत्तर, कावेरी को। प्रश्न, पेन्नार की सहायक नदियां कौन सी है? उत्तर, पापाधनी एवं चित्रावती। प्रश्न, किसी देश की कृषि का मुख्य आधार क्या होता है? उत्तर, उस देश की मिट्टी। प्रश्न, भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? उत्तर, 8। प्रश्न, भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? उत्तर, जलोढ़ मिट्टी। प्रश्न, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उत्तर, खादर मिट्टी। प्रश्न, किस मिट्टी में पोटाश की मात्रा सबसे अधिक होती है? उत्तर, जलोढ़ मिट्टी में। प्रश्न, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? उत्तर, रेगुर मिट्टी। प्रश्न, काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयोगी है? उत्तर, कपास। प्रश्न, लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? उत्तर, लौह ऑक्साइड के कारण। प्रश्न, किस मिट्टी में आयरन व सिलिका सबसे अधिक पाया जाता है? उत्तर, लैटराइट मिट्टी। प्रश्न, चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? उत्तर, लैटराइट मिट्टी। प्रश्न, भारत के समस्त स्थल भाग के कितने भाग में जलोढ़ मिट्टी है? उत्तर, 24%। प्रश्न, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? उत्तर, काली मिट्टी। प्रश्न, कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? उत्तर, काली मिट्टी। प्रश्न, किस मिट्टी का निर्माण बैसाल्ट चट्टानों के विखंडन से होता है? उत्तर, काली मिट्टी। प्रश्न, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? उत्तर, काली मिट्टी। प्रश्न, भारत में लाला मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है? उत्तर, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु। प्रश्न, किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम के कण पाए जाते हैं? उत्तर, लैटराइट मिट्टी में। प्रश्न, धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? उत्तर, दोमट मिट्टी। प्रश्न, मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? उत्तर, वन रोपण द्वारा। प्रश्न, रेगुर मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर, महाराष्ट्र में। प्रश्न, किस प्रकार की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे उपजाऊ बनाया जाता है? उत्तर, अम्लीय मिट्टी को। प्रश्न, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? उत्तर, काली मिट्टी में। प्रश्न, भारत के किस राज्य में अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? उत्तर, राजस्थान में। प्रश्न, लैटराइट मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं? उत्तर, मुखरेला मिट्टी। प्रश्न, काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर, रेगुर मिट्टी। प्रश्न, लैटराइट मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? उत्तर, मालाबार तटीय प्रदेशों में। प्रश्न, ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों के द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है? उत्तर, लाल मिट्टी का। प्रश्न, किस प्रकार की मिट्टी में सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है? उत्तर, जलोढ़ मिट्टी में। प्रश्न, भारत के उत्तरी मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? उत्तर, जलोढ़ मिट्टी। प्रश्न, किस मिट्टी का प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक क्षेत्र है? उत्तर, काली मिट्टी। प्रश्न, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उत्तर, बांगर। प्रश्न, गंगा में जलोढ़ मिट्टी भूमि की सतह से कितने नीचे तक पाई जाती है? उत्तर, 600 मीटर। प्रश्न, लैटराइट मिट्टी के निर्माण में उत्तरदायी कौन है? उत्तर, अपक्षालन एवं केशिका क्रिया। प्रश्न, कौन सी मिट्टी सूख जाने पर कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? उत्तर, लैटराइट मिट्टी। प्रश्न, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? उत्तर, मृदा विज्ञान। प्रश्न, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा है?
उत्तर 8 वर्गों में। प्रश्न, भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? उत्तर, जुलाई के प्रथम सप्ताह में। प्रश्न, वनों के किस हेतु कौन सी नीति चलाई गई? उत्तर, राष्ट्रीय वन नीति। प्रश्न, राष्ट्रीय वन नीति का शुभारंभ कब हुआ? उत्तर, 1952। प्रश्न, वनों के कटाव को रोकने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया? उत्तर, चिपको आंदोलन। प्रश्न, चिपको आंदोलन किसने चलाया? उत्तर, सुंदरलाल बहुगुणा। प्रश्न, चिपको आंदोलन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? उत्तर, राइट लिवलीहुड पुरस्कार। प्रश्न, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? उत्तर, देहरादून। प्रश्न, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब और कहाँ की गई? उत्तर, 1981 भोपाल में। प्रश्न, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने क्षेत्रफल पर वन आवश्यक है? उत्तर, 33%। प्रश्न, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर, देहरादून। प्रश्न, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है? उत्तर, नागपुर। प्रश्न, वन महोत्सव के जनक कौन है? उत्तर, के एम मुंशी। प्रश्न, भारत में वनों की ताजा रिपोर्ट कौन जारी करता है? उत्तर, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। प्रश्न, भारत में फिलहाल कितने भाग पर वन है? उत्तर, 23.81%। प्रश्न, भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? उत्तर, मध्य प्रदेश। प्रश्न, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई? उत्तर, 1981। प्रश्न, भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? उत्तर, उष्णार्द पतझड़ वन। प्रश्न, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर, कर्नाटक। प्रश्न, साइलेंट वैली क्यों प्रसिद्ध है? उत्तर, केरल में। प्रश्न, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तर, उत्तराखंड में। प्रश्न, कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? उत्तर, कर्नाटक। प्रश्न, भारत में सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कौन से हैं? उत्तर, उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। प्रश्न, भारत में उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का प्रतिशत कितना है? उत्तर, 93% व 7%। प्रश्न, भारत में सबसे प्रमुख वनस्पति कौन सी है? उत्तर, पतझड़ वन। प्रश्न, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर, प्रायद्वीपीय पठार पर। प्रश्न, भारत वन रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में विश्व के वनों का कितने है? उत्तर, 3%। प्रश्न, भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? उत्तर, हरियाणा। प्रश्न, भारत के पश्चिमी घाट पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? उत्तर, सदाहरित। प्रश्न, दलदली एवं ज्वर भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? उत्तर, मैंग्रोव वन। प्रश्न, वनों की दृष्टि से भारत के शीर्ष 3 राज्यों का अवरोही क्रम क्या है? उत्तर, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। प्रश्न, कौन सा वृक्ष सदाबहार वृक्षों की श्रेणी में नहीं आता है? उत्तर, महोगनी। प्रश्न, कितनी ऊंचाई के बाद हिमाचल पर वनस्पति नहीं उगती है? उत्तर, 6000 मीटर की ऊंचाई के बाद। प्रश्न, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है? उत्तर, सुदनरी। प्रश्न, भारत में जैव विविधता के ताप स्थल कौन से हैं? उत्तर, पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाट। प्रश्न, भारत के किस भौतिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पलाइन प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? उत्तर, उत्तर हिमालय का पर्वतीय प्रदेश। प्रश्न, जिस स्थान में 100 सेमी से 200 सेमी औसत वर्षा होती है वहां किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उत्तर, उष्णार्द पतझड़ वन।
प्रश्न, केंद्र सरकार ने नई वन नीति की घोषणा कब की? उत्तर 1988। प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? उत्तर जिम कॉर्बेट नैनीताल उत्तराखंड। प्रश्न, वर्तमान में देश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? उत्तर 100। प्रश्न, वर्तमान में देश में कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं? उत्तर 514। प्रश्न, वर्तमान में देश में कितने संरक्षण रिजर्व हैं? उत्तर 43। प्रश्न, वर्तमान में देश में कितने समुदाय रिजर्व हैं? उत्तर 4। प्रश्न, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा वन्य जीव अभयारण्य हैं? उत्तर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। प्रश्न, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान हैं? उत्तर मध्य प्रदेश। प्रश्न, कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर पेरियार। प्रश्न, दाचेगाम वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर जम्मू कश्मीर में। प्रश्न, राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर का प्राकृतिक आवास है? उत्तर जंगली हाथी। प्रश्न, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ है? उत्तर बन्ना घट्टा जैविक उद्यानन बेंगलुरु कर्नाटक। प्रश्न, भारतीय गैंडे किस अभयारण्य में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? उत्तर काजीरंगा अभयारण्य। प्रश्न, बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में है? उत्तर पश्चिमी बंगाल। प्रश्न, विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक क्या है? उत्तर पांडा। प्रश्न, एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? उत्तर असम व पश्चिम बंगाल। प्रश्न, देश हंगुल परियोजना कब शुरू की गई? उत्तर 1970। प्रश्न, शेर परियोजना कब शुरू की गई? उत्तर 1972। प्रश्न, बाघ परियोजना कब शुरू की गई? उत्तर 1973। प्रश्न, घड़ियाल परियोजना कब शुरू की गई? उत्तर 1974। प्रश्न, गेंडा परियोजना कब शुरू की गई? उत्तर 1987। प्रश्न, हिमचीता परियोजना कब शुरू की गई? उत्तर 1987। प्रश्न, मगर प्रजनन परियोजना कब शुरू की गई? उत्तर 1975। प्रश्न, लाल पांडा परियोजना कब शुरू की गई? उत्तर 1996। प्रश्न, हाथी परियोजना कब शुरू की गई? उत्तर 1991। प्रश्न, सबसे अधिक बाघ संरक्षित स्थल किस राज्य में है? उत्तर मध्य प्रदेश। प्रश्न, भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? उत्तर मध्य प्रदेश। प्रश्न, भारत का प्रथम बाघ संरक्षित स्थल एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बाघ संरक्षित स्थल है? उत्तर क्रमशः जिम कॉर्बेट एवं नागार्जुन सागर। प्रश्न, देश में अब तक कितने जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व्स स्थापित किए जा चुके हैं? उत्तर 18। प्रश्न, भारत के कितने स्थल विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं? उत्तर 30। प्रश्न, भारत वानस्पतिक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? उत्तर 1970 कोलकाता में। प्रश्न, भारत प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? उत्तर 1916 कोलकाता में। प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? उत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर उपराष्ट्रपति। प्रश्न, राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? उत्तर उपराष्ट्रपति। प्रश्न, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? उत्तर अप्रत्यक्ष रूप से। प्रश्न, उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सा प्रणाली अपनाई जाती है? उत्तर एकल संक्रमणीय प्रणाली। प्रश्न, उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है?
उत्तर राष्ट्रपति। प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? उत्तर संसद के दोनों सदन। प्रश्न, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? उत्तर राष्ट्रपति को। प्रश्न, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? उत्तर मतों के बराबर रहने की स्थिति में। प्रश्न, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? उत्तर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रश्न, कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? उत्तर संसद को। प्रश्न, किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है? उत्तर राज्यसभा में। प्रश्न, भारत में लगातार दो बार उपराष्ट्रपति कौन रहा था? उत्तर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रश्न, मोहम्मद हामिद अंसारी क्रम के हिसाब से कौन से उपराष्ट्रपति हैं? उत्तर 12वें। प्रश्न, उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचक मंडल में कम से कम कितने अनुमोदन आवश्यक हैं? उत्तर 20। प्रश्न, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? उत्तर सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? उत्तर 5 वर्ष। प्रश्न, उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? उत्तर 35 वर्ष। प्रश्न, उपराष्ट्रपति को किसका समान वेतन मिलता है? उत्तर लोकसभा अध्यक्ष के समान। प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? उत्तर अनुच्छेद -63 में। प्रश्न, उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य नहीं हो सकता? उत्तर राज्यसभा को। प्रश्न, भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? उत्तर हिमालय। प्रश्न, हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? उत्तर माउंट एवरेस्ट। प्रश्न, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तर K2 गॉडविन ऑस्टिन। प्रश्न, भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तर कंचनजंगा। प्रश्न, कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में है? उत्तर नावा बरवे। प्रश्न, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई? उत्तर तिथिस सागर से। प्रश्न, भारत की कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? उत्तर K2। प्रश्न, कारकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? उत्तर कृष्णागिरी। प्रश्न, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? उत्तर मर। प्रश्न, हिमालय पर्वत की अराकानियोमा नामक चोटी किस देश में है? उत्तर म्यांमार। प्रश्न, उत्तराखंड की सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सी है? उत्तर नंदा देवी। प्रश्न, शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहाँ से हुआ? उत्तर सेनेजोइक। प्रश्न, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर सिक्किम। प्रश्न, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? उत्तर अरावली। प्रश्न, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? उत्तर गुरु शिखर। प्रश्न, सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है? उत्तर सिचाइन। प्रश्न, कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? उत्तर केरल। प्रश्न, गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित है? उत्तर बिहार। प्रश्न, छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तर पारसनाथ। प्रश्न, हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? उत्तर 8,850 मीटर। प्रश्न, कोडाइकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? उत्तर पालनी। प्रश्न, कौन सी पहाड़ियां नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच हैं? उत्तर सतपुड़ा की पहाड़ियां। प्रश्न, भारत और म्यांमार के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी सीमा का निर्धारण करती है? उत्तर खासी, पठकोट तथा अराकानियोमा। प्रश्न, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच है? उत्तर मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच।
प्रश्न, हिमालय में हिमरेखा कहाँ स्थित है? उत्तर, 4500 से 6000 मीटर। प्रश्न, शिवराय की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? उत्तर, तमिलनाडु में। प्रश्न, भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? उत्तर, अरावली पर्वत। प्रश्न, किस पर्वत को सागर माथा और चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है? उत्तर, माउंट एवरेस्ट। प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर, राष्ट्रपति। प्रश्न, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर, प्रधानमंत्री। प्रश्न, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? उत्तर, प्रधानमंत्री। प्रश्न, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? उत्तर, 5 वर्ष। प्रश्न, प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? उत्तर, मोरारजी देसाई। प्रश्न, कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे? उत्तर, जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? उत्तर, 25 वर्ष। प्रश्न, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किसे देश में लागू हुई? उत्तर, ब्रिटेन। प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किसमें निहित है? उत्तर, प्रधानमंत्री में। प्रश्न, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? उत्तर, जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न, अभी तक कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई है? उत्तर, 3। प्रश्न, प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उत्तर, राष्ट्रपति। प्रश्न, किस प्रधानमंत्री ने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? उत्तर, इंदिरा गांधी। प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? उत्तर, गुजजारी लाल नंदा। प्रश्न, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? उत्तर, प्रधानमंत्री के पास। प्रश्न, सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने? उत्तर, राजीव गांधी। प्रश्न, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? उत्तर, प्रधानमंत्री। प्रश्न, किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वे किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे? उत्तर, H.D. देवगौड़ा। प्रश्न, कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए? उत्तर, चरण सिंह। प्रश्न, यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? उत्तर, मंत्रिपरिषद में। प्रश्न, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? उत्तर, लोकसभा के। प्रश्न, भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकती है? उत्तर, 6 माह। प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति पदच्युति का प्रावधान है? उत्तर, अनुच्छेद -75। प्रश्न, मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? उत्तर, केंद्रीय मंत्री। प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानूनी मंत्री कौन थे? उत्तर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। प्रश्न, कौन सा प्रस्ताव संसद में मंत्रिपरिषद रख सकती है? उत्तर, विश्वास प्रस्ताव। प्रश्न, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उत्तर, राष्ट्रपति। प्रश्न, भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? उत्तर, लोकसभा से। प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? उत्तर, सरदार पटेल। प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त कौन थे? उत्तर, डॉक्टर जॉन मथाई। प्रश्न, क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? उत्तर, हाँ। प्रश्न, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तर, पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच। प्रश्न, आर्य किस दर्रे से होकर भारत में आए थे? उत्तर, खैबर दर्रा। प्रश्न, प्रसिद्ध जवाहर सुरंग का नाम किस प्राकृतिक दर्रे को दिया गया है? उत्तर, बनिहाल दर्रा।
प्रश्न, पालधार दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? उत्तर, केरल व तमिलनाडु। प्रश्न, तुजू दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? उत्तर, म्यांमार। प्रश्न, नाथुला दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? उत्तर, सिक्किम। प्रश्न, बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? उत्तर, अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? उत्तर, जम्मू कश्मीर। प्रश्न, किस दर्रे से होकर तीर्थयात्री मानसरोवर झील के दर्शन हेतु जाते हैं? उत्तर, माना दर्रा।